उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव ख्वाजपुर में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने युवक को घर से बुलाकर गोलियों से भून दिया। बदमाशों द्वारा की गई अंधाधुंध फायरिंग में दो गोली युवक तैयब के सीने में जा लगी और तैयब गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी, लेकिन परिजनों का आरोप है कि 30 मिनट बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। सूचना देने के काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल ले जाने लगी। इसी बीच तैयब ने पुलिस जीप में ही दम तोड़ दिया। पुलिस के इस लापरवाही भरे रवैये से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। वहीं गोलियों की तड़तड़ाहट से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना को अंजाम देकर अज्ञात बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। आई एक घंटे पहले बुलाकर गोली मार दी और गोली मारे पीछे 100 नंबर फोन करोगे आधे घंटे तक हमारी यहाँ 100 नंबर कोई नहीं आई, पूर्ण घंटे तक हमारी उसके बाद में लेकर उठाएगा वहाँ से यहाँ भी आलिए जब भी 100 नंबर नहीं पहुंची वहाँ से तो हमने पता है जिंदा मारी हम तमका बताओगे भाई। ये थाना क्षेत्र झिंझाना में ही एक गांव में उसमें एक व्यक्ति झाला उर्फ तैयब जिसके गोली मार के हत्या की गई है। अभी जो जानकारी इसकी की गई है कि उसका खुद का भी कुछ आपराधिक इतिहास था, तो गांव में ही किसी व्यक्ति के द्वारा किसी जानकार व्यक्ति के द्वारा फोन पर बुलाया गया है और उसके बुला करके गोली मार के हत्या की गई। बाकी इसकी जांच अभी की जा रही है, मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। मुकदमे में कुछ लोगों को, गांव के लोगों को और कुछ गांव के बाहर के लोगों को नामजद परिवार वालों ने किया है, जो सभी तथ्य उनको संज्ञान में लेकर के उनकी जांच। हाँ, उनका नामजद उन्होंने किए हैं, कुछ लोगों को नामजद किया है, जो भी लोग नामजद किए हैं उनकी जांच की जा रही है और जांच के ऊपर कार्रवाई की जा रही है।